26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अजय सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के लिए हुए रवाना, पटना से एक अन्य मार्ग से वो पटना एयरपोर्ट गए और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो राजगीर जाएंगे और जिस तरह से बात करें कि कई कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे और कई चीज़ों का उद्घाटन भी करेंगे। ऐसे में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक अन्य मार्ग से वो राजगीर के लिए रवाना हुए हैं और जिस तरह से बात करें कि 55वां वर्षगांठ के अवसर पर जो शांति स्तूप है राजगीर में उसका वर्षगांठ है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो राजगीर के लिए रवाना हुए हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और जो पर्यटन मंत्री हैं नीतीश मिश्रा वो मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से बात करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो बिहार में किए जा रहे कार्य हैं उसका निरीक्षण करते हैं और कई चीज़ों का उद्घाटन करते हुए जाते हैं। और वहीं आज जब राजगीर के लिए रवाना हुए हैं तो राजगीर में भी कई सौगात देंगे और उद्घाटन भी करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए वो राजगीर पहुँचेंगे और कई चीज़ों का उद्घाटन करेंगे। जिस तरह से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और 2025 का विधानसभा काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी बिहार में किए जा रहे कार्य हैं उसका वो लगातार निरीक्षण करते हैं और अपने अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द काम किया जाए। अगर बिहार में बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को कहते हुए जाते हैं कि जल्दी काम पूरा करें, जो भी काम बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करें, यानी कि 2025 से पहले जो भी काम है उसे पूरा कर लें। और जिस तरह से बात करें कि कहीं ना कहीं अलर्ट में है जो नीतीश कुमार हैं वो दिख रहे हैं और जिस तरह से बात करें कि आज राजगीर में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर में जिसका 55वां वर्षगांठ है, इस अवसर पर वो रोपवे के निकट नवनिर्मित एकीकृत भवन का उद्घाटन करेंगे। जो नवनिर्मित रोपवे के पास बना है भवन उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में और जो किए जा रहे कार्य हैं उसका निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द जो भी बिहार में काम है उसे पूरा करें और नीतीश कुमार हैं जो खुद जाकर ही अपने जो कार्य किए जा रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और जिस तरह से 2025 का विधानसभा चुनाव है ऐसे में नीतीश कुमार हैं जो लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बिहार में भी 4 सीटों का उपचुनाव है। और जिस तरह से बात करें कि झारखंड चुनाव का भी सरगर्मियां हैं वो बिहार को में देखने को मिल रहा है, जहां तमाम बिहार के राजनीतिक दल हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं और जो उनके साथ उनके विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी साथ में रखते हैं। ऐसे में विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे और जो पर्यटन मंत्री हैं नीतीश मिश्रा है वो भी उनके साथ राजगीर में मौजूद रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो एक अन्य मार्ग से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है और वहाँ हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुँचेंगे। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।